एमजी हेक्टर 22,80,000 ऐसा पावर डिफरेंस, हैंडलिंग इसकी बहुत शानदार, बड़ी स्क्रीन, माइलेज में आप बहुत परेशान हो, फीचर्स के लिए तो इससे तो फिर आप स्विफ्ट ले लो। तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारे पास है एमजी हेक्टर 1.5 टर्बो सार प्रो मॉडल, और ये मैनुअल में है, पेट्रोल में। तो जैसा कि आप सब देख सकते हो, ये अभी 5 महीने पुरानी है, 8,000 किलोमीटर चल चुकी है, और आप देख रहे हो ब्लैक कलर में कितनी ही ज़्यादा सेक्सी लग रही है ये, और बिल्कुल नई है, 2024 ही मॉडल एक तरीके से कही जाएगी। तो आज मैं आप सभी लाया हूँ इसकी ओनरशिप रिव्यू। हमारे साथ है इसके ओनर अनुराग भैया। हेलो। तो अनुराग भैया, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि 22,80,000 रुपए के रेंज में आपने ये गाड़ी ही क्यों सिलेक्ट करी? इस रेंज में मैंने और भी गाड़ियाँ देखी, बट या तो इस रेंज से ऊपर चली जाती है, अगर इस रेंज में ये गाड़ी सबसे बेस्ट हमें मिली है, क्योंकि इसमें सारी फीचर्स, जो भी चीज़ें होती हैं, सब कुछ अपने को मिल जा रही है। सारी चीज़ें इसमें ऑटोमेटिक रहती है, बहुत ईजी टू ड्राइव रहती है, बहुत अडेप्टिव है। बहुत सारी गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव ली थी मैंने, क्रेटा वगैरह, बट सबसे बेस्ट तो यही लगी, एक बार में ही जम रही है। इसकी कॉम्पिटिटर जैसे कि एक हैरियर भी है, सफारी भी है। हैरियर क्या है, उस समय जब मैंने इसको लिया था ना, तो उसकी न्यू वाली वेरियंट आई नहीं थी, पुरानी वाली वेरियंट बहुत ही ओल्ड स्कूल, उतना मज़ा नहीं आ रहा था उसमें, उसमें टेक उतना कुछ खासा नहीं था, सारी चीज़ें मैनुअल थी, मज़ा नहीं आ रहा था। मतलब आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि फीचर लोडेड आपको गाड़ी चाहिए, फीचर लोडेड गाड़ी चाहिए, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा ही फीचर्स है। हाँ, वो तो है ही। सो गाइस, अभी हम गाड़ी के अंदर आ गए हैं, और जैसे कि आप सब देख सकते हो, और ब्लैक इंटीरियर है इसका डैशबोर्ड का, बाकी सब तो नॉर्मल ही है, और बिग सनरूफ, और इसकी मेन फीचर तो इसकी यहाँ दिख ही रही है आप सबको, बिग स्क्रीन। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। इसमें आता है 1.5 लीटर टर्बो चार्ज इंटरकूल्ड इंजन, 1451 सीसी का इंजन है, जो कि 141 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, 250 एनएम का टॉर्क है। तो अनुराग भैया, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, टुडे वेदर इज पार्टली सनी, 33.9 डिग्रीज इन इंदौर। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इसके इंजन के बारे में, आप इसका इंजन का फुल हर जगह का परफॉर्मेंस बताएं। आप तो शायद घर भी गए थे ना, बहुत दूर ट्रैवल कर चुके हो अभी आप। हाँ, मैं एक्चुअली अपने होम टाउन गया था, 1000 किलोमीटर दूर है, जिसमें हाईवे, बैड रोड, सभी सब कुछ। हाँ, वो तो सब कुछ वहाँ फेस करना पड़ता है। हाँ, तो सभी का एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ। इसमें पावर के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अगर आप कंपेयर करें तो थोड़ा सा वो आपको आएगा कि हल्का सा पावर डिफरेंस, जैसे कि सेकेंड गियर में एकदम से आपको बढ़ाना है, तो हल्का सा आपको थोड़ा सा पावर की कमी महसूस होगी, बट इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अपने को। और सारी चीज़ें जब भी मैंने इसको ड्राइव किया, बहुत फन टू ड्राइव है, बहुत ही अडेप्टिव है। हाईवे वगैरह की इसकी मतलब रोड की पकड़ कैसी है जब हाईवे वगैरह? बहुत शानदार। आप जैसे सेडान चलाते हो, सेडान और एक्सयूवी में क्या डिफरेंस आता है, सेडान बहुत चिपक के चलती है रोड, सेम आपको इसको चलाओगे तो ऐसा लगेगा आप सेडान चला रहे हो, इतना चिपक और इतने शार्प टर्न्स मैंने लिए ना, बहुत अच्छा रोड पे। और शार्प टर्न के टाइम पे आपकी स्पीडिंग मतलब हाई स्पीडिंग रहती है? मैंने तो बहुत अपरो 100 प्लस में भी बहुत शार्प टर्न लिए हैं, 80 प्लस 80 90 में, और इतना बहुत अच्छा टर्न है, आई मीन इसका टर्निंग तो बहुत अच्छा, हैंडलिंग इसकी बहुत शानदार, यानी एमजी वालों ने हैंडलिंग के लिए 10 out of 10 है। सस्पेंशन वगैरह इसके क्या कैसे रहते हैं? सस्पेंशन वगैरह भी बहुत अच्छे हैं, आई मीन बस ये है कि अब एक्सयूवी के सस्पेंशन आप भी जानते हो, ऐसे थोड़ा सा अपने को बाउंसी जैसा लगता है, बट जब हाईवे में अपन ऐसे ऐसे रोड्स रहती है जो थोड़ा वेवी रहती है, उसमें बहुत अच्छा एयर सस्पेंशन जैसा फील आता है अपने। तो जब हाईवे वगैरह पे कभी आप गए हो, तो ऐसा रहा है कि वो सीट पूरी फिल रही हो, मतलब 5-6 लोग तो बैठे ही बैठे? अक्सर रहते हैं, अक्सर हम लोग काफी लोग ही जाते हैं, 6 लोग भी बैठ जाते हैं 5 सीटर गाड़ी है, बहुत कंफर्टेबल, स्पेशियस तो बहुत ही है, बहुत ही ज्यादा स्पेशियस है। बैठने से ज्यादा तो मुझे पीछे बैठने में ज्यादा मजा आता है, सनरूफ है ना। इसमें मतलब मोड्स भी तो होंगे? नहीं, इसमें मोड्स नहीं है। अच्छा, मोड्स नहीं आते, मोड्स पे चलती है लेकिन प्रॉपर चलती है। और इसकी जो एलईडी लाइट्स वगैरह दिए हुए, हेडलाइट वगैरह, उसके बारे में लाइट थ्रो इसका बहुत अच्छा है, व्यू विजिबिलिटी बहुत अच्छी आती है, मतलब थ्रो अच्छा है, सारे बहुत अच्छा है, दूर तक रहता है, और ये पूरे रोड को कवर करता है, व्हाइट लाइट है, बहुत अच्छा अपने को कवरिंग मिल जाता है।
तो अनुराग भैया आप बात करते हैं इसके इंफोटेनमेंट डिस्प्ले के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा हमारे इंडिया में बोलते हैं कि अरे यार वो जिनको उनको पता नहीं होता है ना, हाँ फेमस है इसी वजह से कि भाई बड़ी स्क्रीन। बहुत सारे लोग तो ऐसा बोलते हैं कि अरे यार वो बड़ी स्क्रीन वाली गाड़ी पसंद है। तो ये क्या लोग आपको सेटिस्फाइड करता है आपको इतने बजट के अकॉर्डिंग की या नहीं? सेटिस्फाइड इसमें बहुत सारे फीचर्स है जिसको ओपन कर सकते हैं, इसके अंदर इंटरनेट रहता है तो इसमें जियो सावन वगैरह चलाना, इसी से हम सर्च करके सारी चीज़ें अपन यूज़ कर सकते हैं जो अपने वो गाना प्ले वगैरह करना होता है। प्लस इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे सनरूफ हो गया तो सनरूफ हम इससे ही कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे इसको हम परसेंटेज वाइज खोला हमने, मैं तो पूरा ही ओपन कर देता हूँ, देखिए अपने ओपन हो जाएगा पूरा। मतलब ऐसा ये भी ऑफर दिया, मतलब मैंने तो और किसी गाड़ियों में इस रेंज में मतलब देखा ही नहीं। हाँ कुछ चीजें हैं इसमें जो सिर्फ बहुत ज्यादा तो बहुत अच्छा फील गुड रहता है, लग्जरी फील कराती हैं। ये फील गुड के लिए ये कार मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब डिस्प्ले बड़ी तो हमेशा से रही है इसकी, पर इसके डिस्प्ले की कंप्लेंट्स बहुत आती थी कि लैगी है और थोड़ा सा लैगी, तब जब आप इंजन स्टार्ट करते हो इसमें मेजर प्रॉब्लम है ये, जैसे कि अपन ने गाड़ी स्टार्ट की अपने को इंस्टेंट बैक लेना है तो बैक कैमरा ओपन होते हैं, कभी कभी थोड़ा टाइम लग जाता है इसमें, तब तक हमें वेट करना पड़ता है 5 to 10 seconds, तो ये थोड़ा सा लैग प्रॉब्लम अगर ये सॉल्व हो जाए ना तो इट विल बी अ वेरी गुड थिंग। बस इसमें लैगनेस का थोड़ा प्रॉब्लम है, बाकी सारी चीज़ें वर्थ इट है, इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें सब कुछ हम देखें जैसे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग है, इसमें सारी चीज़ें मुझे दिख जाती है, वायरलेस चार्जिंग वाइपर, इसमें सब चीजें हम लोग बहुत अच्छे एम्बिएंट लाइट में भी हम कंट्रोल कर सकते हैं कौन से लाइट जलानी है, लगभग सारे इसमें डिस्प्ले में इनके फीचर्स इन्होंने डाल दिए हैं और बहुत इजी टू है, जैसे एक एंड्रॉइड फोन है ना, पूरा एंड्रॉइड फोन ही है। इसमें जैसा कि 8 स्पीकर से सेटअप डाला हुआ है, स्पीकर्स इन्फिनिटी के डाले हुए हैं, तो इसके क्या स्पीकर्स से आप क्या सेटिस्फाइड हो या नहीं? तो मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ, सबसे पहली चीज मैं गाड़ी में साउंड ही देखता हूँ। हाँ। और जैसे ही मैंने इसका साउंड सुना बहुत शानदार, अगर आप इसे फुल साउंड में बजाओ तो आपको बेस्टॉप की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, 1% आप चाहे डिक्की खोल के वहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ के पार्टी वार्टी कर रहे हो तो पूरा साउंड अपने को एकदम फील होता है, पूरा बॉडी शेक होती है, एकदम बोन चिलिंग एक्सपीरियंस रहता है, साउंड इज वेरी गुड। स्पीकर्स को भी आप क्या रेटिंग देना चाहोगे? स्पीकर्स 10 out of 10, 10 out of 10 कोई इशू नहीं। वैसे अगर फुल साउंड कर दे हम तो थोड़ा सा अपने को बेस तो बहुत शानदार आएगी, बट आप एकदम फुल रहता है तो वो थोड़ा सा वोकल्स होते हैं ना, थोड़ा सा एकदम फाइन क्वालिटी नहीं रहती है, तो कभी हर गाड़ी में होता है अगर आप फुल कर दो तो थोड़ा सा इशू आता है। हाँ, थोड़ा बहुत तो बेस आपको फुल करने की भी जरूरत नहीं रहेगी, आप 70% साउंड पे इतना एंजॉय कर लोगे ना, मजा आ जाएगा। अब बात करते हैं इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं, माइलेज। पेट्रोल इंजन है ये तो, ऊपर से टर्बो चार्ज है, मेरे को उम्मीद तो नहीं लग रही है ज्यादा कुछ। कुछ नहीं, कुछ नहीं, माइलेज में आप बहुत परेशान हो जाओगे, आप तो इस गाड़ी को लेना है जब माइलेज से आप इजिली कॉम्प्रोमाइज कर पाओ। वैसे इतना आप एक्सपेंस कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, तो डेफिनेटली माइलेज से आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। तो इसकी माइलेज जो है वो जैसे सिटी वगैरह में तो मुझे 7-8 तक ही मिलती है, उससे ज़्यादा नहीं, थोड़ा एक्चुअली मैं 7-8 अगर जैसे मेरी ड्राइविंग थोड़ी सी रफ भी हो जाती है इसलिए, क्योंकि मैं थोड़ा हाई रेव भी कर लेता हूँ, क्योंकि अपन तो पहले से बाइकर्स रह चुके हैं, हमको ड्राइविंग पसंद है, तो इसलिए अगर ओवरऑल मैं बताऊँ आपको सिटी एक सिटी हाईवे सबका एवरेज बताऊँ तो 9-10 ऐसे आपको एवरेज मिलेगा। और हाईवे वगैरह पे, हाईवे वगैरह पे ही 9-10 मिलेगा और सिटी पे 7-8 मिलेगा, तो ऑन एन एवरेज आज ये समझ लो कि आप 9 के एवरेज से अपनी गाड़ी का फ्यूल खर्च कर लो सिटी में 7-8। इसके एप्लीकेशन में अगर हम देखें तो इसका नॉर्मली मुझे जो एवरेज मिलती है, दिल्ली में ऑफिस जाता हूँ 10-12 किलोमीटर्स आना जाना होता है, तो एप्लीकेशन में 8-8.4 ज़्यादा से ज़्यादा 9 शो होता है, लेकिन एप्लीकेशन के हिसाब से आप 1 point कम ही मान के चलो, क्योंकि काफी बार खड़े खड़े हमारा इंजन ऑन रहता है, तो आप ये समझ लो 7-8 इन सिटी। पर आपको ऐसा नहीं लगता कि 7-10 मतलब जो बहुत ज्यादा कम माइलेज हो जाता है? बहुत कम माइलेज, बहुत कम है एक्चुअली, मैं हर महीने 2000 किलोमीटर इसको चलाता हूँ, इसको इसकी जो EMI है मेरी 26 की है, उतना ही मेरा पेट्रोल कॉस्टिंग हो जाता है। ओह माय गॉड। तो आप जब गाड़ी खरीद रहे थे, बाय कर रहे थे, तो आपको मतलब माइलेज पहले से ही पता था कि इतने देने वाली है? हाँ, मैंने रिसर्च किया था पूरा A to Z, तो उसके लिए तो मैं प्रिपेयर था।
इसको जो फिनिशिंग टचेस वगैरह है ना, मतलब जो लग्जरीनेस थोड़ा सा अच्छा देके रखा है। असिस्टेंट भी अच्छा है, आप जाते हो आई मीन गाड़ी से निकलते हो तो ग्रेट भी करती है, लाइक गुड बाय ऐसा बोलती है। तो वो आवाज जब ऐसे हम गेट खोलते है निकल के ना, ऐसे गुड बाय बोलते है, वो तो जैसे आस पास के लोग है ना वो देखते है तो अच्छा लगता है। छोटे छोटे चीजें है तो इट्स अ गुड थिंग। मतलब मुझे तो ऐसा साउंड कर रहा है आपको आपकी बातें सुन करके कि मतलब आप फीचर ही फीचर से ही आप मुझे फीचर लोडेड गाड़ी बहुत पसंद है। फीचर्स के लिए तो इससे अच्छी कोई गाड़ी ही नहीं मिलेगी। अभी मैंने दोनों को ऑन कर दिया तो अभी बहुत अच्छा अपने बैक में एंड पीठ में हवा आती है, अभी आपको आ रही होगी। हाँ अभी थोड़ी बहुत फील हो रही है। एंड इसके बाद ये है कि इसमें एडजस्टेबल सीट्स है। हाँ, वो फोर वे और सिक्स वे होता है ना। हाँ, तो फोर वे में एक आगे पीछे होता है एंड एक सीट ऊपर नीचे होता है। सिक्स वे में क्या होता है, ये जो सीट है ना इसकी हाइट ऊपर नीचे होती है, तो मेरी हाइट थोड़ी बड़ी है तो मुझे हर बार डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन में ऊपर नीचे करके मुझे राइड करना पसंद है। तो इसमें सीटिंग पोजिशन ये सिक्स वे के वजह से ना बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत अच्छी लगती है फीचर। और जैसे इसका जो हेडरूम है ये कभी हेडरूम में अप्रोक्स 5'11" का हूँ, इससे मेरे से 2-3 इंच बड़ा भी इंसान होगा ना तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब लास्ट तक उसमें प्रॉब्लम नहीं आगे पीछे किसी को दोनों कहीं प्रॉब्लम नहीं आती। स्पेस के मामले में तो नॉर्मल से एक्स्ट्रा ही दे दिया गया है। फिजिकल चीजें हैं जो टायर्स है ये वो सब में एक रत्ती भर प्रॉब्लम है। जो फीचर एक्स्ट्रा है जैसे कि इन्होंने इनका जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन कभी कभी इनका थोड़ा सा नॉन वर्किंग होता है, लेकिन उसमें एप्लीकेशन में एक फीचर और अच्छा है कि उसमें हम डिजिटल की बना सकते हैं। जैसे आप गाड़ी चाबी भूल गए घर पे, हाँ, तो आपका फोन ऑन किया उसमें डिजिटल की पे क्लिक किया, ब्लूटूथ से कनेक्ट होके ऑटोमेटिकली गाड़ी ओपन हो जाती है। हाँ, आप स्टार्ट करना चाहोगे तो स्टार्ट भी हो जाती है उससे, मतलब फोन से ही। फोन से ही नहीं हो फिर भी की नहीं होते, मैं काफी बार की लेना भूल जाता हूँ तो मैं अपने फोन से ही गाड़ी स्टार्ट करके चला जाता हूँ। एक और फीचर है इसके की को भी आप 3 लोगों को शेयर कर सकते हो। की को 3 लोगों को शेयर कर सकते हो, 3 लोगों के फोन पे शेयर कर सकते हैं, वो वहाँ अपना फोन यहाँ लाएंगे उसको कनेक्ट करेंगे, मतलब ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है, गाड़ी अनलॉक हो जाती है। जैसे कभी कभी आपने और एप्लीकेशन में इसमें सारी चीजें शो होती है, अगर जैसे आप गेट बंद करना भूल गए तो ये सारी चीजें दिखती है कि हाँ ये गेट खुला हुआ है, टेल गेट खुला हुआ है, सनरूफ खुला हुआ है, ये सारी चीजें दिख जाए तो आप वहाँ से सनरूफ बंद कर सकते हो फोन से घर बैठ के, और इसको अनलॉक भी कर सकते हो अपने ये गाड़ी को, बहुत इजी तो एक्सेस हो जाती है। जैसे मैंने किसी फ्रेंड को दिया है अपनी गाड़ी तो देखना रहता है कि कहाँ क्या जा रहा है, पूरा लोकेशन ट्रैकिंग सारी चीजें इनबिल्ट रहती है, सब दिख जाती है, सब कुछ इनबिल्ट है, सारी चीजें अपडेट है। अगर जैसे कि एक दिन ऐसा हुआ था फ्रेंड को दिया था वो लॉक करना भूल गया था, मैंने एप्लीकेशन में देखा कि वो लॉक नहीं है तो मैंने अपने ही एप्लीकेशन से उसको लॉक कर दिया था। मतलब फीचर्स तो मतलब इसके अंदर कूट कूट के भरे हुए हैं, बुरे फीचर, इसी का माइलेज खाती है। अच्छा ये फीचर्स का माइलेज ही खाती है। लग रहा है कि आप इतने सारे फीचर्स है और सारी चीजें कनेक्टेड रहती है, बैटरी चलती है, बैटरी चार्ज होने के लिए पेट्रोल लगता है। ऑब्वियस सी बात है माइलेज यही जाता होगा बैटरी चार्ज करने में जाता नहीं, नहीं। तो, मतलब माइलेज से ही आप बस दुखी हो इस गाड़ी से। हाँ माइलेज से तो थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए क्योंकि एज पर इंजन, इंजन थोड़ा इस सेगमेंट में और अच्छे ही होते हैं गाड़ियों में, तो अगर इंजन थोड़ा सा और पावरफुल होता तो माइलेज से हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। अभी भी इट्स ओके क्योंकि फीचर्स ही कुछ ज्यादा है, तो उसमें थोड़ा सा वो अपने को वो चलता है, तो कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं, ऐसा नहीं है ये गाड़ी लेके आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। इट डिपेंड्स कि आपके रिक्वायरमेंट क्या, आपको फीचर वाइज गाड़ी चाहिए, पावरफुल चाहिए, ये बैलेंस्ड है और फीचर्स में कुछ एक्स्ट्रा है ऐसा मिलेगा आपको। और इसके फिर माइलेज को आप क्या रेटिंग देना चाहोगे? रेटिंग हालांकि पूछने की जरूरत है नहीं। इसका माइलेज भाई 5 आप मान के चलो, 5 में, क्योंकि माइलेज अगर जा रहा है तो ये भी समझ में आता है कि इतनी चीजें ये हमें प्रोवाइड भी कर रही है। हाँ, इसलिए मैं 5-6 का इसको रेटिंग देना चाहूंगा आउट ऑफ 10। ड्राइवर रफ ड्राइव करता हूँ क्योंकि एक्चुअल में मैं बहुत रफ ड्राइव करता हूँ। आप इसके एप्लीकेशन में भी शो होता है कि रफ ड्राइव कर रहे हो तो कितने शार्प टर्न लिए आपने, कितने बार हार्श ब्रेकिंग ली, ये सारा डेटा वो हमें दिखाती है, तो उसके हिसाब से वो सही है। और ये सब डेटा तो हम जैसे को और ज्यादा सेटिस्फाइड करती है कि वो ऐसे चलाया पूरा अपने को दिखाती है कि मैं ले रही हूँ तो देखो मैं ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, पूरा डेटा इसके एप्लीकेशन में हमें दिख जाता है। बस प्रॉब्लम 2 चीज की, एक माइलेज की अपनी। हाँ, वो भी हैवी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो
आप 1-2 किलोमीटर का कम एवरेज आपको मिल रहा है तो वर्थ इट 800 के क्या ही आपका, जहाँ 25,000 का पेट्रोल खर्च हो रहा है उसकी जगह ज्यादा ज्यादा 22,000 का पेट्रोल खर्च होगा, 2-3,000 पेट्रोल बचेगा। अब 2-3,000 बचाना है आपको तो फिर आप स्विफ्ट ले लो, लाखों रुपए हजारों रुपए बचा लो। बलेनो स्विफ्ट, हाँ क्रेटा का भी अच्छा ऑप्शन है। और क्रेटा भी मैंने देखा था बट वो बहुत कॉमन है, उसका डिजाइन भी उतना कुछ खासा अट्रैक्टिव आई कैचिंग नहीं लगता है, हर दूसरी तीसरी गाड़ी अपना वो क्रेटा दिख जाती है, तो MG इसीलिए मैंने लिया था। लेकिन आजकल MG भी बहुत ज्यादा दिखने लगी अपने को रोड पे। अभी तो कल परसों इसका एक फीचर लॉन्च हुआ है कि नो मेंटेनेंस कॉस्ट, ग्लॉस्टर पे हुआ है कि पूरे MG पे हुआ 3 साल मेरे ख्याल से ये सिर्फ ग्लॉस्टर पे है नो मेंटेनेंस कॉस्ट, बाकी मुझे आइडिया नहीं है लेकिन ऐसा हल्का सुना था मैंने, ऐसे नोटिस किया था, एड वगैरह देखा था मैंने, एक बार आप लोग देख लीजिए। इसका मेंटेनेंस बहुत अच्छा, कोई ज्यादा कुछ अपने अभी तो स्टार्ट ही है तो बता नहीं पाऊंगा, अभी साल भर हो जाएगा तो आपको बताऊंगा। वैसे उन्होंने बोला था कि अभी थर्ड सर्विस आने वाली है 10,000 पे, तो वो बस लेबर कॉस्ट लगेगा, मतलब या तो लेबर कॉस्ट लगेगा या तो उसका पार्ट्स का कॉस्ट लगेगा और कुछ नहीं लगेगा, दोनों में से कोई एक ही लगेगा। एंड उसके बाद से उन्होंने बोला था 5,000-7,000 ही कॉस्ट लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा फोर्थ सर्विस। तो अभी सर्विस जो होगी 10,000 के बाद, उसके बाद कंपनी ऐसा बोल रही है कि इसके माइलेज में कुछ डिफरेंस आएगा, बोला तो है अब, लेकिन फिर भी इतना खासा डिफरेंस, एक आग का डिफरेंस आएगा तो उसमें क्या कर लेगा। हाँ वो तो उसमें फर्क ही क्या पड़ेगा, 5-10% का डिफरेंस आएगा ज्यादा से ज्यादा, बट मुझे नहीं लगता क्योंकि हमारी ड्राइविंग थोड़ी सी रफ हो जाती है बहुत, ऐसे इसमें मजा आता है एक्चुअली ड्राइव करने। मतलब उसको ड्राइव भी उसी गाड़ी को करते हैं इंसान, जैसे आप बाइक में देख लो, आप पल्सर चला रहे हो, शाइन चला रहे हो या फिर कोई ऐसी गाड़ी, और आप कोई स्पोर्ट्स बाइक चला रहे हो तो इसमें स्पोर्टिंग है, जब अपन ये रेव करते हैं ना तो उसमें का आवाज भी बहुत अच्छा फील आता है अंदर, कि पेट्रोल इंजन शांत रोड पे चलती है ना तो बहुत अच्छा आवाज आता है इसमें, लाइक कि आप स्पोर्ट्स कुछ राइड कर रहे हो ऐसा। इसमें जो 360 कैमरा है ना, जैसे आप इसका कैमरा अगर देखोगे ये बहुत क्लियर है, नाइट में भी इतना ज्यादा क्लियर दिखता है ना, देखो 3D वगैरह में भी ये पूरा A to Z दिख जाता है हमें कि कहाँ क्या है, क्या गाड़ियाँ है वगैरह। तो एज ए बिगनर क्या होता है, इंसान को जजमेंट बनाने में बहुत मुश्किल होता है, जैसे दो चीजें उसके बीच से निकलना है, तो मैं उस समय क्या करता था 360 ऑन कर देता था तो बहुत अच्छा अपने को जजमेंट मिल जाता था, तो वहां से निकाल देता था। तो इससे सीख के ना मैं बहुत क्लोज कॉल्स बिना कैमरा के, क्योंकि अब मुझे जजमेंट बन चुका है बिना कैमरा, क्लोज कॉल देखिए अपने को ये कन्फर्म हो जाता है कि हाँ कितना क्लोज हम निकाल रहे हैं, तो 360 बहुत हेल्पफुल रहता है एज अ बिगनर। इसके फीचर्स को आप क्या रेटिंग दोगे, 10 out of 10 या फिर 11 12 15, जो इससे ज्यादा और क्या ही इंसान एक गाड़ी में इस रेंज में दे सकता है। और कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स, बस ये है कि कभी जैसे सेकंड गियर में एकदम से अपने को वो करना हो ना तो थोड़ा सा लेट से, टर्बो इंजन है थोड़ा सा लेट से उसमें पावर शो होता है, तो वो टर्बो लैग बोलते हैं, तो वो थोड़ा ज्यादा है। तो मतलब जो इसकी नेगेटिव पॉइंट सही है, एक बड़ी मेजर पॉइंट माइलेज, और दूसरी पॉइंट ये हुई आपकी जो सेकंड गियर में लैग करती है। हाँ, हल्की सी लैग, अब मेन इसका ड्रॉबैक इसका जो ये स्क्रीन लैग का है ना, तो थोड़ा सा वो प्रीमियमनेस थोड़ा कम लगता है, जैसे कि आपको इतनी बड़ी महंगी गाड़ी में हो और चार लोग आपके साथ बैठे, आप लोग स्क्रीन को ऐसे कर रहे हो थोड़ा लैग और लैग हो जाए, थोड़ा सा बेइज्जती हो जाती है थोड़ी सी। तो मतलब कंपनी को इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करना चाहिए, डेफिनेटली इम्प्रूव करना चाहिए, और सिर्फ यही चीज है जिसको इम्प्रूव कर दे तो माइलेज आपका जस्टिफाइबल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो गाइस ये थी MG हेक्टर 1.5 लीटर टर्बो शार्क प्रो मॉडल की ओनरशिप रिव्यू, ये थे सारे इसकी ओनरशिप रिव्यू अनुराग भाई की तरफ से। तो आपको और ऐसे अगर वीडियोस अगर देखने हो चैनल पे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर भी जरूर करना। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर कार या फिर अनदर बाइक, आपकी निंजा भी बची हुई है अभी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।